2017 में नीट से एक दिन पहले की बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं लाइब्रेरी में जाता था, जैसे वहीं पे सारे इंस्टीट्यूट थे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बड़े बड़े चंडीगढ़ में, वहीं पे हम लाइब्रेरी में जाते थे। तो आखिरी दिन तक भी मैं लाइब्रेरी में गया, क्योंकि घर में से पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि ज्यादा ही टेंशन हो जाती, तो लाइब्रेरी में जाता था। तो वैसे तो मैं 10-15 दिन पहले ही पढ़ना छोड़ चुका था कि टेंशन हो रही है, पढ़ा नहीं जा रहा। और आखिरी दिन भी मैं लाइब्रेरी के बाहर बैठा था, वो बेंच से लगे होते हैं ना, वो सीमेंट वाले बेंच, वो उस पे बैठा था बैग टांग के। तो मेरी ही कोचिंग में, मेरे ही क्लास में ही था हिमांशु सैनी। तो वो आया, वो ऐसे मतलब बैग टांग के पूरा कॉन्फिडेंस में आ रहा, तो कि तू एटलीस्ट, मेरे को बोला कि वो तू यहाँ क्यों बैठा है, एटलीस्ट बायो की एनसीईआरटी के पेज पलट के तू देख ले, एक बार पेज पलट के तू देख ले, एटलीस्ट डायग्राम देख ले। तो मैं उसको ये बोलने लगा कि तेरे को क्या पता है मेरी हालत क्या हो रही है, तेरे को कैसे बताऊं मैं, मेरे को कितनी दिक्कत हो रही है, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मैं तो टेंशन हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, ये सब मैं उसको बोलने लगा। तो मैं उसको ये भी बोल रहा था कि तू तो आराम से पढ़ लेगा, तेरे को तो टेंशन ही नहीं हो रही। तो वो मेरे को बोला कि टेंशन तो मेरे को भी हो रही है, पर उसने एक बात बोली कि अगर मेरे को आता है तो आता है, तो टेंशन हो या ना हो, है ना, ये कहीं ना कहीं लॉजिकल बात है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूकस है, फ्यूकस डिप्लोमेटिक एल्गी है, तो ये पता है या नहीं पता है, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। अब टेंशन का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो तब तो मेरे को ये बात समझ नहीं आई थी, तब मेरा मानना ये था कि टेंशन की वजह से मेरा पेपर खराब हो गया, है ना, मेरे को आता ज्यादा था। तो पर ये बिल्कुल गलत बात है, जिसको 100 नंबर का आता है ना, हो सकता है टेंशन की वजह से उसके 90 आ जाएं, पर इतना फर्क नहीं पड़ता है। और फर्क मैं आपको बता दूं, हिमांशु सैनी MBBS में है, रोहतक PGI में है, और मेरा नहीं हुआ, है ना, तो यही फर्क है। तो यही माइंडसेट रखना होता है, मैं बस ये बता रहा हूं। मतलब बात सीधी सी है, जो करेगा उसका हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कि मेरे को टेंशन होगी थी, मेरे तो 650 आ जाते पर 400 ही आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे हिमांशु सैनी ने किया उसका हो गया, और मैंने नहीं किया मेरा नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। तो इस चीज के साथ बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ठीक है, जितना अपने को आता है, चाहे 100 नंबर का आता है, चाहे 2 नंबर का आता है, चाहे 600 नंबर का या 700 नंबर का, जितना आता है ऐसा सोचो कि जितना आता है उतने तो लेके ही आएंगे, उतने तो लेके ही आएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि जिसको जितना आता है उसके उतने ही आएंगे, बाद में तो यार आपको भी पता है सिर्फ बहाने ही बचते हैं कि ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था, बीमार हो गया था, टाइफाइड हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया ना, फिर तो वही बचता है ना। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, तो अच्छे से जाना, पॉजिटिव रहना, जितना आपको आता है मेरे को पता है आप उतना लेके आओगे, ठीक है, और जिसको जितना आता है उसको उतना ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलता, उससे ज्यादा नहीं मिलता, ये भी रूल है ना। ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, अब आप ऐसे अलग तरीके से सोच रहे होगे, पर आपको 2-3-4 साल बाद ये बात पता चलेगी, जिसको जितना आता है उसको उतना ही मिलता है, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो नीट हो, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, ठीक है। थैंक यू।